पाकिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद चैनल विच इज सैयद अकौसर अली ऑफिशियल। जनाब सबसे पहले आप लोग सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। सो व्यूअर्स लाइक माय वीडियो, मैं आज आप लोगों के लिए इंडिपेंडेंस डे से रिलेटेड लेकर आई हूँ बहुत ही जबरदस्त ग्रीन आई मेकअप। यस, लेकिन इस वीडियो में एक खास बात यह है कि आप इस ग्रीन मेकअप में जो मैं छोटी छोटी सी चेंजेस बताऊंगी उसको यूज करते हुए इस ग्रीन मेकअप को आप अपने किसी भी ड्रेस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो आप लोग का ज्यादा टाइम दिए बगैर चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो एंड कमेंट बिलो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे बेस मैंने अपनी कंप्लीट कर चुकी हूँ। इस ग्लो किट का मैंने सिल्वर शेड लिया है जो कि मैंने अपने हाइलाइटर एरिया पे लगाया है और इसी को मैं इनर कॉर्नर पे लगाऊंगी। अब व्हाइट पेंसिल को मैं अपनी वाटर लाइन पे लगा रही हूँ ताकि इससे आंखें इनहेंस होती हैं, थोड़ी बड़ी बड़ी लगती हैं। अब मैं ये लाइट ग्रीन शेड लूंगी जो कि सॉकेट एरिया पे लगाऊंगी। यहाँ मैं आपको ये टिप देना चाहूंगी कि अगर आप इस ग्रीन मेकअप को किसी गोल्डन ड्रेस पे अप्लाई कर रहे हैं तो सिल्वर, जहाँ मैंने यूज किया है सिल्वर हाइलाइटर, सिल्वर इनर कॉर्नर, वहां पर आप अपना गोल्डन हाइलाइटर और गोल्डन इनर कॉर्नर कर लें। अब इस क्रिस्टीन पैलेट का मैं ये सिल्वर शेड लूंगी, क्रीमी मिल्की सिल्वर। इसको मैं अपने आईबॉल एरिया पे लगाऊंगी, हाफ लिड पर। इसको भी आप, अगर गोल्डन ड्रेस के साथ आपका कोई ग्रीन ड्रेस है तो आप इसको भी गोल्डन अप्लाई कर सकते हैं। इसी शेड को मैं एक दफा फिर से वाटर लाइन पर लगा लेती हूँ ताकि इनहेंस हो जाए ये एरिया। अगर किसी को ये मेकअप थोड़ा हैवी लगे तो आप जितना मैंने इस वक्त डन किया है आप इस पर ही एंड करके अपना लाइनर और मस्कारा अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मुझे ये डार्क ग्रीन का आउटर कॉर्नर वी बनाना था इसलिए मैंने डार्क ग्रीन शेड को यूज किया है। इस डार्क ग्रीन शेड को बहुत अच्छे से ब्लेंड करेंगे, आउटर वी बनाएंगे और लाइनर एरिया पे लगाएंगे, कट क्रीज एरिया पे लगाएंगे और अच्छे से ब्लेंड करेंगे। अच्छे से ब्लेंड करने के बाद इसे मैं नीचे की तरफ भी अपनी लोअर लाइन पर भी लगाऊंगी। ये मैंने मिल्की व्हाइट शेड लिया है इनर कॉर्नर पर लगाने के लिए। आप सिल्वर ग्लिटर ले लीजिए, आप लिक्विड में ले लें या डस्ट ले लें, आपकी मर्जी है, लेकिन मैं दोनों यूज करूंगी। इसको बीच में सेंटर आई वॉल पे अप्लाई करके इसके ऊपर मैं डस्ट अप्लाई करूंगी। आप चाहें तो इतना भी काफी है। यहाँ मैं एक बार आपको फिर बताती चलूँ कि अगर आप इस ग्रीन कलर को किसी गोल्डन ड्रेस के साथ किसी पार्टी में पहन रहे हैं तो आप सिल्वर, जहाँ मैंने ग्लिटर डस्ट यूज की है, आप वहाँ पर गोल्डन ग्लिटर डस्ट भी यूज कर सकते हैं। अब मैं लाइनर अप्लाई कर रही हूँ। आईब्रोज को अच्छे से फिल करने के लिए सबसे पहले आईब्रो ब्रश को सिर्फ और सिर्फ गीले पानी से डस्ट आप रिमूव करें, उसके बाद उसको फिल करें। अब मैं लैशेस अप्लाई कर रही हूँ और लैशेस अप्लाई करने से पहले एक हल्का सा एक दफा मस्कारा आंखों पे जरूर लगा लिया कीजिए। मैंने लैशेस डन कर ली हैं और अपने फेस की कंटूरिंग कर चुकी हूँ, मैं लिपस्टिक लगा चुकी हूँ,
क्योंकि यहाँ मैंने सिर्फ बेसिकली आपको आई मेकअप के बारे में बताया है। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।